आज माइनक्राफ्ट में मेरे पास होने वाले 0.0001% हार्ट और बनने वाला हूँ मैं 1 पिक्सल का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टार्ट करने वाला हूँ मैं 1 मिलियन हार्ट से, और जितने मेरे हार्ट्स रहेंगे उतना ही मेरा साइज बढ़ेगा। और मैं इतना छोटा क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि राहुल ने मेरे पेट को चुरा लिया और उसको एक एंट हिल में बंद कर दिया, और एंट हिल में वही जा सकता है जो बहुत ज्यादा छोटा हो। तो यार मैं बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका हूँ, और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं हुआ हूँ। राहुल ने ट्रोल करने के लिए पता नहीं रातों रात मुझे बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, और जैसे मैं उठा हूँ मेरे इतने सारे हार्ट्स आ गए, और मुझे ये मालूम चला कि जितने मेरे हार्ट्स रहेंगे उतनी मेरी साइज रहेगा। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि मेरे पास इतने सारे हार्ट्स है और मेरा इतना बड़ा साइज है। असली प्रॉब्लम ये है कि मेरे पेट सैफ्रॉन को राहुल ने ये एंट हिल के अंदर डाल दिया है, और ये रहा वो एंट हिल। यार ये देखो, इसके अंदर हमारा पेट है। अब मैं कैसे बचाऊंगा उसको? बस एक ही ऑप्शन है, मुझे अपने हार्ट्स कम करने हैं, और अलग अलग तरीके से मरना पड़ेगा यार, मुझे तभी हार्ट्स कम होंगे। एक काम करते हैं, सबसे इजी यार, पानी में डूबता हूँ। लेकिन एक मिनट, मैं इतना ज्यादा बड़ा हूँ कि पानी में डूब भी नहीं पा रहा हूँ। रुक जाओ, कहीं तो ट्राई करता हूँ। और इतने सारे हार्ट स्क्रीन पर आ रहे हैं, इसको सही करता हूँ पहले। ओके, तो अब मैं ज्यादा बड़ा दिख रहा हूँ और हार्ट्स कम दिख रहे हैं, लेकिन हार्ट्स कम बिल्कुल नहीं हुए मेरे, बस हार्ट्स का साइज कम हुआ है। यार पानी में डूबने के लिए क्या करूं? ओके, ये देखो गहरा है थोड़ा सा, यहाँ पर चलते। और एक मिनट, मैं कितना डूब पा रहा हूँ? बस मेरा पैर डूब पा रहा है यार। ये देखो यार, बस घुटने तक पानी आ रहा है मेरा, ऐसे तो कैसे डूब के मरूंगा मैं? लगता है समुंदर में जाना पड़ेगा जल्दी। और ये विलेज देखो कितना ज्यादा पिट्टी हो चुका है मेरे सामने। ये मेरी हाइट और ये रहा विलेज। भाई विलेजर तो डर के मर जाएंगे अभी के अभी। मैं जल्दी समुंदर की तरफ जाता हूँ, और ये कितनी बड़ी छलांग मार रहा हूँ मैं। तो पहुंच चुका हूँ मैं गांव के पास के सबसे बड़े वाले पहाड़ में, और इसके बाद समुंदर चालू होता है। और मेरे हाथ में स्पाई ग्लास देखो कितना बड़ा हो चुका है, और ये पहाड़ के साइज को देखो भाई, बहुत ज्यादा बड़ा पहाड़ है। अगर मैं नॉर्मली गिराना तो 7 जन माफ नहीं होंगे मेरे। लेकिन यहाँ से सोच रहा डैमेज लेने की और कूदते। अरे ये कौन सा डैमेज था? ये इतना गंदा डैमेज, कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी हार्ट नहीं गए मेरे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ ओशन के बीच में। और ये कौन सा समुंदर है? ऐसे तो कोई भी डूब जाता है, लेकिन अब तो मैं डूब भी नहीं पा रहा हूँ, ये पता नहीं क्या हो रहा है। थोड़ा और समुंदर के बीचों बीच चलते हैं। यार लगता है बरमूडा ट्रायंगल में डूबने जाना पड़ेगा। यार ये देखो मैं समुंदर के बीच में आ चुका हूँ, लेकिन बिल्कुल भी डूबा हूँ। तो यार पता नहीं रॉटन फ्लैश कहाँ से आ गया, इतना बड़ा रॉटन फ्लैश। और एक मिनट, मेरे सामने बहुत बड़ा गड्ढा है, इधर कूदते हैं पहले। और एक मिनट, मैं हल्का सा डूब पा रहा हूँ, लेकिन एक मिनट थोड़ा बबल्स जाने देते हैं। यार लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास में हजारों हार्ट्स है, क्या कम हो भी पाऊंगा मैं? और ये देखो मुझे क्राउच करना पड़ रहा है डूबने के लिए। यार ऐसा होता भी है कभी? और यार मेरे हार्ट्स ऐसे कम हो रहे हैं कि भूकंप आ रहा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यार इतने देर से रुका हूं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो मैं तो निकल रहा हूं यहां से पहले। और टेंशन क्यों ले रहे हैं? और मेरे पास और भी प्लान है अपने पेट सैफ्रॉन को बचाने के लिए। तो यार मैं आ चुका हूं मौत का खेल खेलने के लिए। मेरे हाथ में पल्सर TNT, तुम लोगों का फेवरेट है मुझे पता है। यार जिस जिसने TNT वाला वीडियो देखे थे उसको पता होगा पल्सर TNT सबसे खतरनाक होता है। तो ये पल्सर TNT वापस से ला लिया ब्लैक मार्केट से मैंने, और बस मुझे इसको यहां पर प्लेस करना है। तो भाई इतना बड़ा हो चुका, प्लेस नहीं कर पा रहा हूं मैं। एक बार तुम लोग ये देखो TNT का साइज, भाई कितना बड़ा TNT है। तो ये TNT को मुझे आग लगाना है। और ये भाई मुझे क्यों आग लग रहा है? थोड़ा दूर हो जाता हूं मैं, और अब तबाही होने वाली है कुछ ही देर में। तो ये TNT बस फटने वाला, और देखो क्या तबाही होती है, इससे तो पक्का मर जाऊंगा मैं और मेरे हार्ट कम हो जाएंगे। और एक मिनट, ये क्या हो रहा है? डैमेज पहुंच रहा है, क्या बात है, मैं सक्सेसफुल हो पा रहा हूँ। एक मिनट यार, पूरा धमाका हो गया है लगभग। और एक मिनट, इतना सब करने के बाद में मेरे से 100 हार्ट कम हुए हैं, ये क्या मजाक चालू है क्या? और ये TNT तो सबसे खतरनाक चीज थी मेरे पास। लेकिन टेंशन मत लो, अभी मैंने सोच के रखा क्या क्या करना है। अभी 100 हार्ट कम हुए ना, तो ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे छोटा होते रहूंगा, क्योंकि अब तुमको दिख रहा होगा कि मैं थोड़ा छोटा हुआ हूँ, नहीं तो पहले कितना ज्यादा बड़ा था। पहले ऊपर चलते, एक काम करते और देखो कितने खतरनाक तरीके चढ़ रहा हूँ मैं। और अगर देखा जाए तो एक गड्ढा बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर स्पाई ग्लास का यूज करूंगा ना मैं। ये देखो पल्सर TNT मजाक थोड़ी ना है। तो अब चलते और भी खतरनाक काम करने के लिए, तो मुझे जाना पड़ेगा पहले, और कुछ चीजें और लेकर आनी पड़ेगी। तो मैं विलेज में फिर से आ चुका हूँ, और मेरे हाथ में तुम लोगों को दिख रहा है यार ये माउंट एवरेस्ट नहीं है, ये है खतरनाक स्पाइक्स। और जैसे मैं इसको लगाऊंगा जमीन पे, तुम लोगों को दिखेंगे बहुत छोटे छोटे, ये देखो कितने पिद्दी पिद्दी से, लेकिन ऐसे खतरनाक डैमेज करेंगे ना ये लोग। तो एक काम करता हूं, इसको बहुत सारे लगा देता हूं मैं, एक से काम नहीं होने वाला यार, बहुत बड़ा शरीर हो चुका है मेरा। तो ये पूरे स्पाइक लग चुके हैं, और जल्दी चलते। और ये देखो क्या डैमेज हो रहा है भाई स्पाइक से। लेकिन एक मिनट, मेरे हार्ट कम क्यों नहीं हो रहे? रुक जाओ, धीरे धीरे हो रहे हैं, ये देखो तुम लोगों को दिख रहा होगा ऊपर के हार्ट कम हुए अभी अभी। तो यार बहुत देर से मैं डैमेज खा रहा हूं। और एक मिनट, अरे हाँ यार मैं थोड़ा छोटा हो चुका हूं, क्या बात है। लेकिन इतने छोटे होने से कुछ काम नहीं बनने वाला है। अभी तुम लोगों को दिख रहा होगा अगर मैं काउंट करूं, तो यहां पर मेरे अभी टोटल 800 हार्ट्स है। अगर तुमको भी काउंट करना तो कर लेना, मेरे लगभग 800 हार्ट्स है। और मुझे लगता है मुझे 0.0001% हार्ट चाहिए बस मेरे। तो उसको करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है। रुक जाओ, कुछ और ट्राई करता हूँ। एक काम करता हूं, ये वाला टेक्निक और अपनाता हूं मैं, यहां पर और डैमेज लेना पड़ेगा मुझे। अरे एक मिनट भाई, ये डैश कर क्या रहा है भाई? अरे यार भाई ऐसे तो इसकी मौत हो जाएगी, और भाई मैं इसको इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। और भाई काम करता हूं, अपने इसको ओढ़ना स्टार्ट करता हूं। और भाई रुक भाई, अभी देख तू इतनी आसानी से मरने नहीं वाला, देख अभी। एक मिनट, मुझे डैमेज क्यों नहीं पहुंच रहा इस साइड? और ये कौन चिपक गई है भाई? मैं आ चुका हूं यार, ये पिद्दी राहुल ने तो सब कुछ तोड़ दिया। अबे ये तो बचा ही नहीं है कुछ, अब क्या करूंगा मैं? अरे यार रुक जाओ, इसको पकड़ता हूं मैं, मार सकता हूं उसको। अबे मार भी नहीं पा रहा, इतना छोटा है ये। और तू छोटा हुआ कैसे? कर पाएगा भाई तू? और बिना बताए भाग कर रहा है डरपोक। अबे ये तो झाड़ियों के बीच छुप जाएगा, मिलेगा ही नहीं। मैं कोई और टेक्निक ढूंढता हूं भाई, इसको इग्नोर करते हैं और जल्दी जाता हूं मरने के लिए। भाई मुझे पेट को बचाना है मेरे। और अभी देखो डैश यहां पे बहुत ज्यादा मरने की कोशिश कर रहा है यार, लेकिन मैं उसको इतने आसानी से मरने नहीं दूंगा। और अभी उससे पहले कि भाई वो कुछ फालतू हरकतें कर रहे, देखो मैं यहां से लेके आया बहुत सारे बेडरॉक, और इसे मैं यहां पे बनाऊंगा एक केज, फिर उसको डाल दूंगा उसके अंदर। तो अभी शायद ये वाली जगह एकदम परफेक्ट है। तो काम करता हूं यहां से, अब मैं इसको बिल्ड करना स्टार्ट करता हूं। और अभी देखो यहां पे लग चुका है भाई मेरा पहला बेडरॉक, और भाई वो ना अभी इस बेडरॉक को फोड़ भी नहीं पाएगा। तो काम करता हूं यहां पे अभी इसको बिल्ड करना स्टार्ट करता हूं मैं। और अभी देखो
देखो आखिरकार मेरा यहाँ पे बन चुका है बेडरॉक का केज। यार ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और यार बहुत देर से मुझे राहुल मिला नहीं है, पता नहीं एंट हिल के अंदर चले गया शायद वो। ये देखो और ये वाला एंट हिल के अंदर ही मेरा पेट है यार, काश मैं उसको तोड़ पाऊं, लेकिन मैं इतना बड़ा हूं कि कुछ नहीं हो सकता अभी। यार अभी मेरे पास में 800 हार्ट्स है यार, मुझे 20 हार्ट से भी कम करना, मतलब मुझे बस एक हार्ट चाहिए तब मैं सही हो जाऊंगा। जल्दी चलता हूं यार मरने के लिए। और अब यहां पे टाइम आ चुका है कि यार मैं उसको इसके अंदर कैद करूं। और अभी देखो मैंने यहां पे लिख दिया इस कमांड को और बस मुझे प्रेस करना है और डैश आ जाएगा मेरे केज के अंदर। और बस अभी प्रेस कर तो भाई एंटर। अरे ये क्या हुआ, यहां पे आ चुका है डैश। अबे ये कहां पर आ गया मैं? अरे यहां पे तो देख भाई कौन चिल्ला रहा है, ये छोटा सा राहुल है ये देखो। अरे यार इसने अभी भी मुझे परेशान किया था और परेशान करने आ चुका है ये देखो। अभी वो तो चले गया। शिट यार अब मैं क्या करूं, इतना बड़ा बेडरॉक का केज है, अब तोड़ूंगा कैसे मैं इसको। रुक जाओ ये तो अच्छा मेरे पास पिकैक्स है, तो एक काम कर तो जल्दी ब्लॉक तोड़ लेता हूं, ये बस टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। जैसे ये दिन पूरा हो जाएगा ना वैसे ये मेरे पेट को मार देगा, तो जल्दी जल्दी तोड़ते यार पूरे ब्लॉक्स को। भी चार है मेरे पास में, ऐसे तोड़ते ऊपर जाना पड़ेगा। और कितने ब्लॉक लगने वाले, इतना बड़ा हूं मैं और मुझे लगता है इतने ब्लॉक हो चुके रहेंगे यार। अरे डैश यहां पे तो देख भाई कौन है भाई इधर, यहां देख एक मिनट तू ऊपर कैसे चढ़ा, इतना टाइम तुझे ऊपर चढ़ने में लग गया। और देख वैसे भी तू अभी इस वाले बेडरॉक केस से भाई तू 100 साल के बाद भी बाहर नहीं आ पाएगा। और अब तो भाई तेरा पेट गया और अब तो उसको मार के सब नहीं उठाओ। अरे कैसा आदमी है यार, पता नहीं यार फॉक्स को कौन खाता है। तो यार तुम लोग को दिख रहा होगा ब्लॉक लगा रहा हूँ, टेंशन मतलब मेरे हाथ से पूरे ब्लॉक जा रहे हैं। और मुझे लगता है इतने ब्लॉक से काम हो जाएगा मेरा, बस थोड़े से ब्लॉक और चाहिए। और देखो कितना ऊपर आ चुका हूँ मैं यार, जंप तो मैं अच्छे से कर पाऊंगा आराम से। तो यार लास्ट ब्लॉक भी लग चुका है और क्या मैं जंप कर पाऊंगा, ये भाई बहुत खतरनाक जगह है, अगर मैं जंप कर पाया तो निकल जाऊंगा। और ये कौन सा बेडरॉक का प्रिजन है यार, ऐसा कोई बनाता है? पर एक मिनट क्या वाला जंप करके निकल गया मैं, और ये हुई ना कुछ बात। तो यार जल्दी निकलते हैं, मैंने जुगाड़ बना के रखा हुआ अपना, मैं अपने जुगाड़ पे जा रहा हूँ अब। तो यार पीछे मेरे बेडरॉक का प्रिजन है, इसमें किसी ना किसी को फंसाऊंगा मैं, लेकिन अभी चलते मेरे जुगाड़ में। वहां पर देखो मैंने क्या करके रखा हूँ, यहाँ से बहुत दूर जाना है मुझे, लेकिन बड़े होने का फायदा अभी आएगा ना मुझे अब। तो यार पहुंच चुका हूँ मैं और तुम लोगों को दिख रहा होगा बहुत बड़ा फोटो फ्रेम, लेकिन टेंशन मत लो कोई फोटो फ्रेम नहीं है वो, ये हमारा नेदर पोर्टल है भाई। इतने बड़े लोगों के लिए नेदर पोर्टल भी तो ऐसे लगेगा ना। और तुम लोग सोच रहे हो कि नेदर में सिर्फ मरने जा रहा हूँ, नहीं भाई ये देखो इतने सारे बेड है मेरे पास में, इतने सारे बेड से धीरे धीरे करके मरूंगा मैं। और टाइम ज्यादा है नहीं तो जल्दी चलते यार, बकवास कौन करेगा इधर, और इसको आग लगा देता हूँ मैं। और ये देखो भाई क्या खतरनाक नेदर पोर्टल है, इतना बड़ा कभी देखियो तुमने, मुझसे ही बड़ा है। तो जल्दी चलते हैं नेदर में, और पता नहीं कहां पर स्पॉन होने वाला हूं मैं। तो यार आ चुका हूं मैं नेदर में, और देखो नेदर में तो आते से डैमेज पहुंच रहा है मुझे, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि बेड से पहले मरना चालू करते हैं फिर लावा से मरेंगे, क्योंकि लावा बहुत इजी है। और पता नहीं राहुल कब आ जाए कब नहीं मालूम नहीं चलेगा। तो ये रहा बेड, और बेड को मैं बस ऐसे टच करना, और अरे ये ब्लास्ट ही नहीं हुआ मेरे ऊपर कुछ जो तरीके से करते हैं। और ये देखो ये हुई ना कुछ बात, तो थोड़े बहुत बेड लेकर आया हूं मैं और जल्दी डैमेज लेना मुझे। और ये देखो डैमेज पहुंच रहा है मुझे, क्या बात है। और एक मिनट मेरा साइज छोटा हुआ है थोड़ा सा, और एकदम ही थोड़ा सा साइज छोटा हुआ है, और एक कचरा क्यों आ रहा है मेरे पास। चलो ये वाला बेड भी लगाते हैं, और ये देखो भाई चार हार्ट कम हुआ इससे, क्या बात है। तो यार ये मेरा लास्ट बेड है, इसको लगाते हैं पहले, और इससे डैमेज लूंगा ना बहुत अच्छा हो जाएगा मेरा। और ये देखो भाई कितने सारे हार्ट्स कम हुए मेरे, और एक मिनट मेरा साइज भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है, पोर्टल मेरे से कितना बड़ा था पहले। और एक काम करता हूँ ना लावा में चलते और बहुत सारा लावा का डैमेज लेते, चलो क्या बात है, लावा के स्विमिंग पूल में डूब रहा हूँ, क्या बात है यार मजा आ रहा है एकदम, मुझे नहीं लगा था डैमेज खाने में इतना मजा आएगा। और एक मिनट भाई ये डैश कर क्या रहे, अरे यार भाई अभी यहाँ पे तो मरने का ट्राई कर रहा है यार, इसको इतनी आसानी से तो मरने नहीं दूंगा। और देखो मैं अभी यहाँ पे लेके आया बहुत सारे पोर्शन, बस अभी इसके ऊपर मुझे फेंकना है और फिर इसको लावा से भी कुछ नहीं होगा। कौन बड़बड़ कर रहा है इधर, अरे देख भाई इधर तू कहाँ से आ गया, अब क्या कर लेगा मेरा, अब तो मैं नेदर पोर्टल में और तेरे हाथ में ये क्या है। और अब तो आधे घंटे के लिए भाई अभी तुझे कुछ भी नहीं होगा यार, इसने फायर रेजिस्टेंस डाल दिया यार, ये देखो जल भी नहीं रहा मैं। अरे भाई ये ले, अरे और है तेरे पास, ये तो पागल हो चुका है। अरे और अब तो ये लावा कुछ भी नहीं करने वाला भाई, अब तो तेरा तुझे मारता हूँ, भाग ऐसे। अरे रुक रुक भाई मैं भाग रहा हूँ अभी। अरे क्या है भाई नाटक, पता नहीं क्या कर रहा है ये, लेकिन अच्छी बात ये है कि देखो मेरे हार्ट्स कम हो चुके हैं, पहले मैं पोर्टल के बराबर आ रहा था, अभी देखो पोर्टल का आधा हो चुका हूँ मैं। तुम लोग को साइज का डिफरेंस समझ नहीं रहा होगा, थोड़ा पास जाके दिखाना पड़ेगा मुझे। ये देखो अब मैं चलता हूँ जल्दी से, और विलेज में हम लोग देखेंगे कितना छोटा हो चुका हूँ मैं। यार बस मैं विलेज में पहुंचने वाला, और देखो कितना छोटा हो चुका हूँ मैं। तो आराम से चलते हैं यार, धरती हिलते रहती है। और मंकी मीट, पता नहीं कौन सा मंकी मीट मिल रहा है। और एक मिनट, ओ भाई वो देखो ये रहा शेर, और ये इधर क्यों आ रहा है, और कितना खतरनाक शेर है। और अगर ये मुझे मारेगा ना तो मेरा डैमेज होगा, क्या बात है भाई मार मुझे, मैं तो चाहता हूँ शेर खाए। ये देखो भाई शेर मुझे मारा, और एक सेकंड यार शेर अच्छा काम कर रहे, दो दो व्हाइट टाइगर दो दो रेड टाइगर, मतलब रेड टाइगर क्या होता है भाई, नॉर्मल टाइगर है तो। और पता नहीं भाई ये डैश है कहाँ पे। और एक मिनट, और ये देखो यहाँ पे तो ये शेर लोग के साथ फाइटिंग कर रहे हैं यार भाई, ऐसे तो यार देखो इसकी हाइट बहुत ज्यादा कम होगी यार, रुको यहाँ पे ना मुझे शेर को मारना होगा। और देखो उसके लिए मैं यहाँ पे लीक लेके आया बहुत सारे बॉम्ब, काम करते इसको मारता हूँ मैं। एक कौन बॉम्ब मार रहा है, अरे मार मार बिल्कुल। और एक मिनट शेर के बीच में पांडा, अबे राहुल तू क्या कर रहा है इधर। अरे भाई ये क्या है यार, रुको मार मार, अरे मुझे मार, मैं मारूंगा बम से। अरे तू हट वहां से, मैं क्यों हटूंगा, मुझे मारना है, मुझे मरना है यार जल्दी, पेट को बचाना है। अरे यार ये क्या है भाई, ये लोग शेर मर क्यों नहीं रहे। वो शेर मार दिया इसने, अरे यार रुक जा राहुल को भगा दो मार के, ये कौन सा डीएनडी था, चलो चलो मैं भी मारूंगा, क्या बात है मुझे भी डैमेज हो रहा है यार भाई, क्या था ये।
और भाई देखो, अरे यार क्या सही मर रहे लोग, रुको रुको यार, इसको तो मैं अपने हाथ से आके मारता हूँ यार, बस शायद ये आखिरी वाला शेर बाकी है। एक मिनट, मेरा साइज छोटा हो गया और ये भी गया, इसने मार दिया शेर को। भाई अब क्या करेगा तू भाई, लेकिन मेरा साइज देख कितना छोटा हो चुका है, अब तो मैं तुझसे फाइट भी ले सकता हूँ। कहाँ पर रुक जा, मार के भगाता हूँ। बाकी अभी, अरे नहीं कहाँ भाग रहा तू, मार यहाँ पे, खुदना खुदना पड़ेगा भाई पानी के अंदर। भाई भाग जा पानी में, अब मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं तेज भी हो चुका हूँ, छोटा भी हो चुका हूँ, तो एक काम करते विलेज की तरफ भागते यार, अब तुम लोग को समझ भी नहीं आ रहा होगा मैं कितना छोटा हूँ, लेकिन अब देखो मैं बताता हूँ कितनी साइज है मेरी। और ये देखो जंगलों के बीच से क्या कूद रहा हूँ मैं, निंजा हथौड़ी का भी बाप बन चुका हूँ मैं। और ये देखो पहले विलेज कितना बड़ा था, अब देखो ये घर के बराबर आ चुका हूँ मैं। और ये वाला जो चर्च है ना, ये देखो ये चर्च मेरे बराबर हो चुका है, अब बस मुझे थोड़ा छोटा होना है क्योंकि अभी मेरे टोटल 400 हार्ट बचे हैं। और ये एंट हिल देखो, कि एंट हिल के बराबर आ चुका हूँ, बस थोड़ा सा बचा है, वैसे मुझे बहुत ज्यादा छोटा भी होना पड़ेगा, तो एक काम करते जल्दी निकलते हैं छोटा होने के लिए। तो इससे पहले मैं बहुत ज्यादा बड़ा था तो मैं डूब नहीं सकता था, लेकिन अभी भाई मैं आराम से डूब सकता हूँ नदी के अंदर, देखते ट्राई मारते हैं पहले। और ये आ गया मैं नदी के अंदर, और डूबा नहीं अभी तक मैं, और क्या बात है डूब गया मैं, तो ऐसे करके मुझे डूबना है बस। ये देखो और नीचे गहराई में जा सकता हूँ, क्या बात है, अब बस राहुल ना आ जाए यहाँ पर, बस थोड़ा बहुत डैमेज लेना है मुझे। और ये देखो हार्ट कम हो रहे मेरे, क्या बात है यार, नाक में डूब चुकी है, मतलब कि अब मेरा सांस जाने वाला। और ये देखो डैमेज होना चालू हो चुका है मुझे, भाई ऐसे करके डैमेज ले लूंगा तो बहुत छोटा हो जाऊंगा अब तो मैं। और तू फिर से आ गया, एक मिनट, अब क्या करने है राहुल, तू क्या कर लेगा यार, तू अपने पेट को कुछ भी कर ले भाई, तू उसको नहीं कर सकता सेव, और आज तो उसका मीट खा के रहूंगा मैं। और देख ये है वाटर ब्रीदिंग का पोशन, भाई कितना पोशन दे रहा है तू यार, निकालना पड़ेगा, कितना पोशन दे दिया, तो कुछ नहीं होगा यार, ये तो बर्बाद कर दिया इसने यार। लेकिन एक मिनट में फिर से और छोटा हो चुका हूँ, ये देखो मैं पेड़ से भी छोटा होना चालू हो चुका हूँ, धीरे धीरे हाइट कम हो रही है मेरी, तो क्या बात है यार, अभी देखो मैं कितना ज्यादा बड़ा था और छोटा हो चुका हूँ मैं। राहुल थोड़ा सा लेट हो गया, और ये विलेजर देखो भाई कितना सा हो चुका है मेरे सामने, वैसे मैं अभी बहुत ज्यादा बड़ा हूँ यार देखा जाए तो। ये देखो ये घर जितना बड़ा हो, पहले मैं कितना बड़ा था, और एक मिनट यार मैं अपनी हाइट ये चर्च के हिसाब से देख रहा हूँ, और ये देखो चर्च से कितना छोटा हो चुका हूँ मैं यार, अभी तो और भी छोटा होना, जल्दी चलता हूँ मैं, मेरे पास और खतरनाक प्लान है, जल्दी निकलता हूँ वहाँ पर। तो यार बड़े से जायंट बनकर आ चुका हूँ मैं इस जगह पर, और ये देखो भाई मैं तुमको दिखाता हूँ पार्कौर स्किल, भाई कितना तेजी से मैं ऊपर चढ़ पा रहा हूँ, भाई ऐसे नॉर्मल बंदा चढ़ नहीं सकता, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अपने पेट को बचाना है, जल्दी से पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। और ये देखो ये वो जगह है जहाँ पर मुझे आना था, और क्या क्या है यहाँ पर, बाप रे क्या खतरनाक जगह है ये, वैसे मुझे उस गड्ढे के अंदर जाना है क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ वार्डन से लड़ाई करने के लिए, वैसे डैमेज ऐसे खा के कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरे पास टोटल 1000 हार्ट है, अभी भी 1000 हार्ट का क्या करूंगा, मुझे बहुत कम हार्ट चाहिए, तो एक काम करता हूँ डायरेक्ट छलांग मारता हूँ यहाँ से और जल्दी डैमेज हो जाऊँ, क्या बात है, लेकिन सिर्फ इतने से हार्ट गए यार, कोई जादू वादू कर दिया राहुल ने मेरे ऊपर। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से मुझे नीचे जाना जितना जल्दी जा सकता हूँ मैं, और मैं इतना बड़ा हूँ कि मुझे जगह ढूंढनी पड़ेगी जाने के लिए। और लगता है मैं एंशियंट सिटी में पहुंच चुका हूँ, ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा तुम लोगों को ये सारे वेन्स है, और क्या बात है पहुंच गया, अब मुझे वार्डन को स्पॉन करना है, और क्या खतरनाक है भाई एंशियंट सिटी, यहाँ से थोड़ा देखते, ये देखो वार्डन कहाँ पर स्पॉन हो रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा, मार ही ना दे पूरा मुझे, मुझे तो बस अपने हार्ट्स कम करने हैं, और बस मुझे थोड़ी बहुत आवाज करनी है। और इसके अंदर क्या है, क्या लूट है यार, अभी ये लूट का कोई मतलब नहीं है, रीजनरेशन का पोशन ले लेते पहले, ये तो मैंने पोशन ले लिया, अब आगे की तरफ चलते हैं। और वार्डन कहाँ पर है भाई, बाहर निकल, ओके ये देखो ये क्या पहला सिग्नल, क्या बात है, ओके आ चुका है वार्डन, ओ भाई खतरनाक काम होने वाला है, अब वार्डन से लड़ाई करेंगे, लेकिन कहाँ पर है वार्डन, ये वार्डन दिखता क्यों नहीं है, ओ भाई ये आ गया वार्डन, क्या बात है, और इतना खतरनाक दिख रहा है, ये देखो जमीर से मुर्दा आया भाई, अरे ये वापिस चले गया था, इसको ये बार मारता हूँ मैं, अरे क्या बात है, क्या मारा इसने, जल्दी मार यार, और कितना छोटा है यार हमारे सामने, अरे भाई ये पागल वागल हो गया, ये देखो कितना बारीक है भाई, मार ले और मार तू, तो मैं कितना बड़ा हूँ इसके सामने, ये देखो मैं तो भाई इसका बाप लग रहा हूँ, तो कमेंट में लिख दो वार्डन का बाप डैश, ये क्या ही कर लेगा, अरे क्या मारा है, लगता है मेरी हाइट कम हो गई, ओ क्या बात है मेरी हाइट कम हो चुकी है, अब थोड़ा और हाइट कम करना है मुझे, अरे मैं पागल हो गया क्या, अभी हार्ट्स भी कम करना है मुझे, अरे आया भाई भागो, अरे भाई सांड है क्या वार्डन, एक मिनट भाई डैश तो यहाँ पे वार्डन से मरने का ट्राई कर रहा है, और डैश अरे रुक रुक इधर भाई, मैं देखो इससे तो मरने की नहीं, अबे तू कहाँ से आया, गॉड शॉट, और कौन सा गॉड शॉट, किधर है, दो दो वार्डन आ गए, मारो मुझे, अरे क्या बात है राहुल को मारता हूँ, रुको मैं, अरे नहीं नहीं भाई, अरे भाई ये क्या तीन तीन वार्डन, एक गया भाई एक गया एक गया, अरे मैं तो मार के रहूंगा अभी, मुझे और छोटा होना है, अरे रुक रुक भाई यार, इनको कितना बार मारू मैं, और राहुल मार क्यों नहीं रहा है, अरे यार ये वार्डन ने दूर फेंक दिया मुझे यार, ये वार्डन को मार देगा राहुल, शिट रुक जाओ भाई, कुछ हिट है यार, नहीं रुक जाओ राहुल को मैं मारता हूँ, भाग ऐसे, अबे यार यार तूने वार्डन को मार दिया, लेकिन एक चीज तू देख रहा है मेरी हाइट तेरे जितनी हो चुकी है, अब बेटा थोड़ी देर रुक जा तू, मैं क्या करता हूँ, वार्डन से मार के कोई मतलब नहीं आया, वैसे सच बता तो बहुत ज्यादा मतलब आया, बहुत छोटा हो चुका हूँ मैं, अभी और छोटा होना है, और निकलते यार राहुल कई बार पहुंच जा रहा है, मतलब मुझे और फास्ट होना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। तो यार जो नेक्स्ट स्टेप है ना सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो उसको करने के लिए मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ, मुझे बस एक विलेजर को किडनैप करना कहा गया, ये रहा विलेजर, इसको मैं मामा बनाकर इधर लाया था, तो पहले इसको उठाते हम लोग, अरे भाई कहाँ भाग रहा है, ऊपर ही तो जाना है मुझे, चलो इसको मैंने उठा लिया, क्या बात है, ये देखो मेरे हाथ में आ चुका है, अब बस मुझे इसके ऊपर काला जादू करना है, सब कुछ मैंने सेटअप कर लिया हूं, बस मुझे यहाँ पर इसको लावा के ऊपर फेंकना है, जैसे मैं इसको फेंकूंगा अगर इसकी बलि चढ़ेगी तो ये मर जाएगा, भाई ये भाग कर रहा है, इसकी बलि चढ़ा नहीं मुझे, अरे ये तो यहीं पर मर गया, रुक जो एक और पकड़ के लाता हूँ, तो मैं नया विलेजर किडनैप करके ला चुका हूँ, अब बस मुझे इसको यहाँ पर फेंकना है और बस ये डूब जाए, और ये देखो जैसे इसकी बलि चढ़ेगी मैं बीच में आ जाता हूँ, और बलि चढ़ चुकी है इसकी, सैक्रीफाइस एक्सेप्टेड, और डैमेज देखो कितना खतरनाक पहुंचा है मुझे, और एक मिनट ये चेंज क्यों हो चुका है सब कुछ, और ये देखो मीटियोर आ रहा है तो मुझे थोड़ा दूर भागना पड़ेगा, डैमेज है ये भाई, मरना नहीं है मुझे, और कहां पर है मीटियोर, और आ जाए जल्दी, और ये वाला आ चुका है, बस इसे डैमेज लेना है मुझे, और क्या बात है ये देखो छोटा हो गया मैं, अरे ये हुई ना कुछ बात, और ये देखो सूरज भी उग चुका,
चुका है फिर से और अब मुझे लगता है मैं एंट हिल में जा सकता हूँ, लेकिन एक मिनट वहाँ पर जाते जाते बहुत टाइम लग जाएगा मुझे और राहुल कुछ भी नहीं कर पाया देखे, और मेरे हार्ट भी कम हो चुके। क्या बात है, अब मेरे पास सिर्फ आधा हार्ट बचा हुआ है। जल्दी निकलते हैं भाई, मर ना जाऊं मैं। और सच में यार कितना ज्यादा छोटा हो चुका हूँ मैं। तो यार पहुंच चुका हूँ मैं वो वाले एंट हिल में और अब देखो कितना बारीक हो चुका हूँ, ये एंट हिल बहुत बड़ा बन चुका है मेरे सामने। पहले तो पता नहीं कुछ भी नहीं था मेरे सामने। और एक सेकंड मेरा पेट सैफरॉन, ये देखो भाई वो तो सो रहा है, चलो खोदते हैं पहले। और एक मिनट ये उठ चुका है, क्या बात है सैफरॉन अपना पेट। तो इसको लीड लगाते हैं पहले और इसको तोड़ के निकल रहा हूं मैं। क्या बात है, बचा लिया मैंने अपने पेट को। और एक मिनट ये लगता है जाना नहीं चाहता, इसको जगह अच्छी लग रही है। एक काम करते मैंने अपने पेट को उठा लिया, इसको लेकर ही चलते बाहर। तो सैफरॉन को मैं बाहर ला चुका हूं और भाई कितना ज्यादा खुश दिख रहा है ये। लेकिन अब बारी राहुल से बदला लेने की, तो वो बदला लेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। और ये फिर से सो गया यार।